हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश पांडे अपने यूट्यूब चैनल ढोलक टीचर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि पिकअप के नाम पे उनको डर लगता है और पिकअप बजाना मतलब उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही टेंशन का काम है। पिकअप गानों में अगर बजाएंगे सही बजेगा कि नहीं, टाइमिंग पे आएगा कि नहीं, इस बात का मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आप कहते हैं सर और पिकअप बताइए और सिखाइए, यही बोलों से आप बहुत सारे पिकअप बजा सकते हैं। तो लोगों को भी बड़ा, आप लोगों को हैरानी हो रही होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, कुछ बोलों को लेके आप बहुत टाइप से पिकअप बजा सकते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत फेर बदल करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पलटे बनते हैं, थोड़ा सा ऐसे चेंज करके हम बहुत सारे पिकअप बजा सकते हैं, बना सकते हैं और बजा सकते हैं। आप स्वयं ये देखिए, आज इस वीडियो में सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप मत करिए, उस मेथड को समझिए। तो चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जैसे पिकअप है ताना ता नाना ताना, ये बहुत बेसिक पिकअप है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं ये पिकअप को कैसे बजाना है। एक बार रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा ताकि हम सब्जेक्ट से जुड़ पाए। तो देखिए, ठेका चलता है हमारा, दिन ता चिप्पा चिप्पा, दिन ता दिन ता चिप्पा चिप्पा, दिन ता ता ना ना ता ना ना ता ना, दिन ता चिप्पा चिप्पा, दिन ता चिप्पा चिप्पा, दिन ता ता ना ना ता ना ना ता ना। तो ये ता ना ना, चूंकि ये कहरवा ताल है, कहरवा ताल जो है कभी भी कहरवा ताल है तो वो सात मात्रे का नहीं होगा और नौ मात्रे का नहीं होगा। अब जो भी हम खेलेंगे, जो भी हम काम करेंगे, वो हमारा उसका टोटल आठ का ही होगा। इस चीज को आप समझ लीजिए, कहरवा ताल आठ मात्रा है, मतलब वो आठ ही रहने वाला है। तो अब हम इसको बजा रहे हैं ता ना ना, तीन मात्रा ये हुआ ता ना ना, दूसरा हुआ फिर से ता ना ना, तीन, थ्री प्लस थ्री सिक्स, और ताना लास्ट का दो शब्द है। ठीक है, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए। आज बहुत ही अच्छा मूड है और मैं एकदम इजी ढंग से आपको बताने जा रहा हूं। ये हम यूं समझ सकते हैं जैसे कमल, कमल तीन शब्द है, क म और ला, कमल। इसी तरह से हमने फिर से एक बार कहा कमल, फिर से तीन शब्द हुआ, दो बार हमने कमल कहा मतलब कमल तीन, फिर कमल तीन मतलब छह, फिर इसके बाद हमने कहा एक बंदा और है जय, जय जा और या जय, दो नाम ये हो गया। तो कमल कमल जय, ऐसा समझ लीजिए। तो ताना ना ताना ना ताना, सेम बात है और अब उसको बजाना है। जैसे आपको समझना होगा, अगर आपको कमल लिखना है तो आपको समझना होगा कि का कैसे लिखना है, मां कैसे लिखना है और ला कैसे लिखना है, ये आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह से यहां पर जो बोल बज रहा है ता ना ना, तीन शब्द है वही रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार अगर आपने ता बजा लिया तो आपको ता की प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर ना अगर आप समझ गए कैसे बज रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको ता या ना बोलते हैं, बहुत सारे वीडियो में ये बताया गया और बहुत सारे लोग भी यूट्यूब पर बताते हैं कि ता ना होता है, जो तबला वाला बजाते हैं वो जानते हैं ता या ना। अब इस ता के साथ में का भी है, ठीक है, तो ये ता साथ में है, चूंकि इस चीज को समझना है दोनों हाथ से साथ बजाएंगे ता, फिर ना ना, दो नाना है तो ता ना ना ऐसे बजाएंगे। अब दो बार बजाएंगे चूंकि ता ना ना, फिर लास्ट में जय है, जय दो शब्द है मतलब ता ना है हमारा, तो ता ना ना ता ना, दिन ता चिप्पा चिप्पा, दिन ता चिप्पा चिप्पा, दिन ता ता ना ना, जो ठेका मैं बजा रहा हूं इसका नाम है सीधा ठेका। इस सीधा ठेके का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप डालेंगे सीधा ठेका, खड़ा ठेका, ढोलक टीचर, ये वीडियो आ जाएगा। ढोलक का पहला ठेका के नाम से चैनल में मेरे अपलोड है, ताल कहरवा है। अब हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे कि हम कैसे पिकअप बना सकते हैं, इस बात को मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, अब ये पिकअप जो है हमारा कैसे हो सकता है, ता ना ना, तन ता ना ना, ऐसा भी बज सकते हैं।
अब हमने क्या किया, जो तीन मात्रा हमारी कंटिन्यू दो बार है ताना ना, उसको हमने क्या किया, लास्ट में हमारा जो ताना है, यह समझिए जो जय खड़ा हुआ है, तो कमल जय और कमल हमने ऐसा कर दिया, क्योंकि दो कमल है हमारे पास, कमल जय कमल, तो हमारे पिकअप में इसको कैसे हो जाएगा, ताना ना। अब बजा देंगे ताना ना। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए बस। कमल, दो कमल है हमारे पास और एक जय है, तो दो कमल जो थे साथ में खड़े थे, ताना ना कमल, कमल और जय, तो हमने इसको करना है ताना ना। ये ऐसा पिकअप है, लेकिन इसको हमको अब विस्तार करना है और भी इससे पिकअप बनाना है, तो चेंज करेंगे इसको, ठीक है, तो हो जाएगा ताना ना, ठीक है, के साथ आसान है। अब सिर्फ समझ जाने से नहीं होगा, अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, इसको आप कॉपी में लिखिए कहां कहां पर ता आ रहा है, जहां भी ता है उस ता के साथ में, हर ता के साथ, तीन बार ता आ रहा है, हर ता के साथ में हमको का बजाना है, तीन बार ऐसा करना है। अब इस पिकअप को आप लिखेंगे और लिखने के बाद इसको आपको शांत दिमाग से, एकदम कूल माइंड से आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि म्यूजिक बिना प्रैक्टिस के अधूरा है। अगर आप म्यूजिक में समझेंगे कि आप तो समझ गए हैं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाथ से बजने वाला नहीं है, आप समझदार व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन प्लेयर नहीं हो सकते हैं, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्लेयर बनेंगे, चार लोगों के साथ आप बजाएंगे, चार जगह पे आप बजाएंगे और आपको इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा, तो प्रैक्टिस करिए, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आप इसको अच्छी तरह से समझिए और प्रैक्टिस करिए, थोड़ा देर प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए ताना ना, ये हमारा पिकअप हो गया, तो ताना ना, अब जितने तार हैं सब ता के साथ में लेफ्ट हैंड भी लगाएंगे, क्या हो जाएगा ताना ना, मेरा हाथ में दिखा रहा हूं ताना ना। हमेशा ध्यान रखिए, जब जरूरत नहीं हो किसी भी हाथ को उठा के रेलवे फाटक जैसे मत रखिए, जैसे कि ताना ना, इसको नहीं उठाना है, इसको वहीं रखना है ताना ना, मारा और वहीं पे रख दिया, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं उठाना है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे पिकअप की तरफ। अब इसी से पिकअप बनाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं साउंड चेंज करना पड़ेगा, ता को कभी धा करेंगे, कभी बाएं को स्लाइड कर देंगे, कभी थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे और एक नया डिजाइन बनता है, किसी भी चीज को ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या चेंज करेंगे, हम लास्ट का शब्द में हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा, हम क्या करेंगे ताना ना धाना ना, ऐसा भी कर सकते हैं ताना ना धाना ना, धागो लास्ट वाले धागो घिस्सा मार दिया हमने ताना ना। देखिए बाएं दिखाता हूं कैसे घिस्सा मारेंगे, एक अलग साउंड आएगा और एक अलग पिकअप बनेगा ताना ना ताना धाना ना
धाना भी हम बोल सकते हैं क्योंकि धा धाना वापस भी आते समय एक धा लग रहा है। धा धाना धा धाना धा धाना धा धाना तो ताना ना ताना धाना ताना ना सॉरी ताना ना ताना धा धाना ताना ना ताना ना ताना धा धाना धा धाना धा धाना धा धाना धा धाना बोलेंगे उसको। ता ना ना ता ना धा धाना ता ना ना ता ना धा धाना ता ना ना ता ना धा धाना ता ना धा धाना ता ना ना ता ना धा धाना। एक ये हो गया। फिर इसके बाद अगला पिकअप हम इसको बनाएंगे ता ना ना धाना धाना ना। अब पहला जो ता है उसके साथ हम बाया लगाएंगे, उसके बाद जो दो है उसके बाद हम उसमें धा लगा देंगे, क्या हो जाएगा ता ना ना धन ता ना ना धन धना ना धन ता ना ना धन धना ना धन ता ना ना धन धना ना। लास्ट को हम स्लाइड कर देंगे ता ना ना धन धना ना धन दोनों को धा कर दिया हमने ना ना धन धना ना धन ना ना धन धना ना धन। बहुत ही आसान है ये सब मैथ को, ये सब चीज को आपको सोचना है। जब आप सोचने लगेंगे तो आप भी ऐसे पिकअप बनाने लगेंगे। ता ना ना धन धाना ना ता ना ना धन धना 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 ना। फिर इसके बाद हम इसका और भी चेंज करेंगे तो एक नया पिकअप बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम धानाना धन धानाना जितने ता थे सब ता को खत्म कर दिया और हमने बनाया पिकअप धानाना धन 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 धानाना धन। ये पिकअप ढोल में बहुत बजाया जाता है, भांगड़ा के साथ में अगर आप ढोल सुनेंगे कभी भी तो ये पिकअप आएगा। एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं, देखिए भांगड़ा चले दोस्तों। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करिए और इससे रिलेटेड कोई समस्या हो, कोई बात आपको समझ में ना आई हो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस बात का रिप्लाई कर पाऊं। और जो लोग मेरे से ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वीडियो में मेरा नंबर है, मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्लास करने का क्या सिस्टम है आप समझ सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक कर दें और एक प्यारी सी कमेंट कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।